टीम इंडिया इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है, लेकिन इसी बीच एशिया कप को लेकर टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा था कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर एशिया कप के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए हैं और एशिया कप में उनका खेलना अब संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया एशिया कप में फंसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि उनके जो रिप्लेसमेंट हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर कोई अन्य खिलाड़ी हो। अब टीम इंडिया किस पर भरोसा जताएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का अनफिट हो जाना या पूरे तरीके से फिट ना हो पाना टीम इंडिया के लिए झटका साबित हो सकता है। अब इसमें एक तस्वीर ये भी सामने आएगी कि अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर एशिया कप में नहीं खेलते हैं तो फिर क्या उन्हें सीधा वर्ल्ड कप में उतारना ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी काफी लंबे समय से इंजर्ड चल रहे हैं। केएल राहुल आईपीएल के दौरान इंजर्ड हो गए थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए उनके पैर में चोट लग गई थी, वहीं श्रेयस अय्यर तो पूरे आईपीएल से ही बाहर रहे थे। ऐसे में लंबी इंजरी के बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को सीधे वर्ल्ड कप में उतारना टीम इंडिया के लिए घातक साबित हो सकता है और एशिया कप में तो टीम इंडिया फंसती हुई नजर आएगी ही आएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दो मुकाबले नहीं खेले वनडे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसको देखकर यह भी लग रहा है कि क्या टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस है वो पुख्ता तरीके से हो पा भी रही है या नहीं हो पा रही है। अब केएल राहुल और श्रेयस अय्यर तो एशिया कप में शायद नहीं खेलेंगे। आपकी क्या राय है, क्या टीम इंडिया के जो रिप्लेसमेंट है वो कारगर साबित होंगे या फिर एशिया कप में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की कमी टीम इंडिया को खलने वाली है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।